हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल और आज हमारे पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव मौजूद हैं, जिसमें से कुछ ऐसे जीव हैं जो कि अपनी खूबी की वजह से काफी प्रसिद्ध हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर एक ऐसा अद्भुत जीव भी है जो कि स्पेस के खाली वैक्यूम में भी आराम से जिंदा रह सकता है। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन में भी कैसे सर्वाइव कर पाता है, जहाँ किसी भी एनिमल का बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमें उम्मीद है कि आप इस जीव की खूबियां जानने के बाद जरूर सरप्राइज रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस जीव का नाम है टार्डिग्रेड, जिसे वाटर बियर और मॉस पिगलेट भी कहा जाता है। इसकी खोज एक जर्मन जूलॉजिस्ट जॉन एगस ने 1773 में किया था। ये जीव आकार में 0.5 से 1 मिलीमीटर तक होता है और इनके छोटे 8 पैर होते हैं और ये खाने में प्लांट और बैक्टीरिया खाते हैं और इनकी कुछ प्रजातियां अपने से छोटे टार्डिग्रेड को खाती हैं। ये जीव हमारे अर्थ पर लगभग हर जगह मौजूद हैं, जैसे कि अंटार्कटिक ग्लेशियर से लेकर सहारा के झुलसा देने वाले रेगिस्तान और समुद्र के गहराइयों में भी। पर ये ज़्यादातर गीली जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे कि कीचड़, दलदल और काई में। टार्डिग्रेड उबलते पानी या ठोस बर्फ में भी आराम से जिंदा रह सकते हैं, यहाँ तक कि ये इंसानों से हजार गुना ज़्यादा रेडिएशन तक सह सकते हैं। इतना ही नहीं, ये समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच के प्रेशर से भी 6 गुना ज़्यादा प्रेशर झेल सकते हैं। और इतने टफेस्ट एनिमल है कि ये पृथ्वी पर आए अब तक के 5 सबसे बड़े मास एक्सटेंशन को भी सह चुके हैं, जिनमें ट्रायसिक और परमियन जैसे बड़े एक्सटेंशन भी शामिल हैं, जिसने तकरीबन 96% लैंड और मरीन में रहने वाली स्पीसीज को ख़त्म कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अब आप ये अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आखिर कितना पुराना एनिमल है। वह साइंटिस्टों का कहना है कि ये पृथ्वी पर आए अब तक के सबसे पुराने जीव में से एक है और ये अर्थ का ऐसा पहला जीव है जो कि स्पेस के ज़बरदस्त रेडिएशन में भी सर्वाइव कर पाता है। सितंबर 2007 में जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इन्हें हजारों की संख्या में स्पेस में भेजा, जहां अंतरिक्ष का बेहिसाब तापमान, कॉस्मिक रेडिएशन और वैक्यूम था, पर जब इन्हें दोबारा पृथ्वी पर लाया गया तो साइंटिस्ट भी ये देखकर हैरान रह गए कि इनमें से 68% टार्डिग्रेड जिंदा और अच्छी हालत में थे और कुछ टार्डिग्रेड ने तो वहां अपने वंश को भी आगे बढ़ाया था। इसीलिए आज रिसर्चर्स का मानना है कि अगर कोई जीव अंतरिक्ष के इतने खतरनाक रेडिएशन में बिना खाए पिए इतने सालों तक जिंदा रह सकता है, तो ये भी हो सकता है कि आज से लाखों साल पहले ये जीव अपने किसी नज़दीकी ग्रह से मीटियोर द्वारा अर्थ पर आया हो, क्योंकि टार्डिग्रेड में जो खूबियाँ पाई जाती हैं वैसा एवोल्यूशन अर्थ के इन्वायरमेंट में होना संभव नहीं है। इसलिए आज साइंटिस्टों का कहना है कि शायद इनके पूर्वज किसी ऐसे ग्रह पर रहते होंगे जहां इतना एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन होगा, इसलिए इनमें ऐसी खूबियां पनप पाई जो कि इन्हें अर्थ के सबसे अलग जीवों में से एक बनाती है। टार्डिग्रेड ऐसा जीव है जो कि बिना खाए या एक बूंद पानी के भी 30 सालों से भी ज़्यादा जी सकता है। इतने सालों तक बिना खाए पिए जिंदा रहने के इस प्रोसेस को क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। इस स्टेट में टार्डिग्रेड अपने शरीर के सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को नॉर्मल से 0.001% तक कम कर देता है। टार्डिग्रेड के शरीर में एक डीसप यानी डैमेज सप्रेसर प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि इनके डीएनए को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है और इसी वजह से ये स्पेस के इतने ज़बरदस्त रेडिएशन में भी जिंदा रह पाते हैं। और इनके बॉडी में एक ट्रीहेलोस नाम का नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी पाया जाता है, जो कि इन्हें बेहद ठंडे तापमान में भी सर्वाइव करने में मदद करता है। टार्डिग्रेड 120 डिग्री और -200 डिग्री सेल्सियस में भी काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकते हैं और ये एक ऐसा जीव है जो कि सन के ख़त्म होने तक जिंदा रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के वैज्ञानिकों ने 2015 में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें टार्डिग्रेड के डीसप प्रोटीन को ह्यूमन सेल पर डाला गया। फिर उस सेल पर जब रेडिएशन छोड़ा गया तब वैज्ञानिकों ने पाया कि उस सेल पर रेडिएशन का प्रभाव नॉर्मल से 40% तक कम हो गया था। इस एक्सपेरिमेंट को देखने बाद रिसर्चर्स का मानना है कि टार्डिग्रेड के डीसप प्रोटीन की मदद से हम भविष्य में आने वाले एक्सट्रीम एनवायरनमेंट कंडीशन और हार्मफुल रेडिएशन से बच सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या है किसी दूसरे ग्रह से आया है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।